नवरात्रि के सातवें दिन आज से राजधानी पटना में मां दुर्गा के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ रही है। सप्तमी के अवसर पर भक्तजन बड़ी संख्या में मंदिरों और पूजा पंडालों में माता के दर्शन को पहुंच रहे हैं। नौलखा मां दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। नौलखा दुर्गा मंदिर में शक्ति के उपासक श्री श्री 108 नागेश्वर बाबा यहाँ 21 कलश को अपनी छाती पर स्थापित कर अपनी भक्ति साबित कर रहे हैं। और मंदिर में पुजारी ने बताया कि नौलखा मां दुर्गा शक्तिपीठ मंदिर है, मां नौलखा दुर्गा सबों की मनोकामना पूर्ति करती हैं। नवरात्र का आज सातवां दिन है और कई ऐसे मंदिर है देश भर में जहां आज मां के पट खुल गए हैं। वैसे में राजधानी पटना के नौलखा मंदिर के पास हम मौजूद हैं जहां पे अभी अभी मां का पट खुला है। और इस मंदिर की खासियत हम आपको बताते हैं कि इस मंदिर में जो यहाँ के पुजारी हैं श्री श्री 108 नागेश्वर बाबा, ये अपने छाती पर 21 कलश लेकर 10 दिन तक निराहार रहते हैं। किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं होती है, ये साफ तौर पर कहते हैं। यहाँ के लोगों का भी मानना है कि बाबा जिस तरीके से 10 दिन तक निराहार रहते हैं, अंजल त्याग कर रहते हैं, बावजूद इसके बाबा में किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं होती है। मंदिर की चर्चा क्यों नहीं होगी? सर्व मंगल मांगल शिवे सर्वाद साध के शरण्य त्र्यंब के गौरी नारायणी नमस्तुते। ये जगत जननी माँ का पूजा है, जगदम्बा भवानी का पूजा है और जगदम्बा माँ के गोद में बैठ करके माता रानी के चरण कमल में बैठ करके बाबा नागेश्वर 28 बरस से कंटिन्यू अपना सीना पे कलश स्थापना करते हैं। बाबा एक कलश से शुरुआत किए थे और 21 कलश पे पहुँचाए हुए हैं और 21 कलश में गंगा जल पैक रहता है। कहा जाता है कि या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपे न संचिता, नमः तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। बाबा का हम सेवा बहुत साल से कर रहे हैं और माँ भगवती का और बाबा का आशीर्वाद से सब कुछ है। जो चाहिए एक इंसान को उसके आवश्यकता के लिए सब कुछ पर्याप्त है। सब माँ का देन है और बाबा का, माँ का देन है, सब भगवती का देन है, बाबा का देन है। देखिए संसार में तो सबसे बड़ी होकर कोई होता है तो माँ होती है। तो माँ सब जगत जननी है, सभी के लिए है और माँ के सामने जो कोई भी आते हैं, सर झुकाते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अंकिता सिंह, कशिश न्यूज पटना।